स्टीम लाइन चार्जिंग। बॉयलर की जो स्टीम लाइन है कैसे चार्ज किया जाता है? जब बॉयलर लाइट अप हो जाता है तो स्टीम की जो लाइन होती है उसको चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि जो स्टीम को कॉमन हीटर से टरबाइन में भेजना होता है तो टरबाइन को रन करने के लिए। तो पहले ये देखते हैं कि स्टीम लाइन में क्या क्या चीज़ें लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर गेज लगे हैं प्रेशर को, और टेम्परेचर गेज लगे होते हैं टेम्परेचर को देखने के लिए। एक सेफ्टी वॉल्व होता है जो ड्रम सेफ्टी वॉल्व से लो प्रेशर पर सेट होता है, और यह ड्रम सेफ्टी वॉल्व से पहले ब्लो होता है अगर बॉयलर में स्टीम प्रेशर ज़्यादा बढ़ गई है तो। यहाँ पे स्टार्ट ऑफ वेंट लगे होते हैं जो ये बॉयलर के अंदर एक्सेस स्टीम को ये रिलीज करने के लिए होता है। ड्रेन लगा होता है जो जो मॉइस्चर और कंडेंसर है उसको निकालने के लिए। मेन स्टीम स्टॉप लगा होता है। मेन स्टीम स्टॉप क्या होता है? जो बॉयलर से जो स्टीम की पाइपलाइन में स्टीम का जो फ्लो को रोकने और अलाउ करने के लिए होता है। यहाँ पर बाईपास मेन स्टीम वॉल्व होते हैं जिसका काम है कि जो स्टीम लाइन को इनिशियली चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। एनआरवी लगा होता है और स्टीम ट्रैप लगा होते हैं जो कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस है उसको डिस्चार्ज करने के लिए ये ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट होता है। और लास्ट कॉमन हेडर होते हैं, और कॉमन हेडर से फिर स्टीम सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं इसको, ये यहाँ से स्टीम टरबाइन को जाता है। तो सबसे पहले जो स्टीम लाइन को चार्ज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो ड्रेन है और वेंट है वो ओपन रहना चाहिए ताकि कंडेंसेट वाटर और एयर और मॉइस्चर बाहर निकल जाए। अब स्टीम जो है वो सेकेंडरी सुपर हीटर आउटलेट से ये आ रहा है, तो धीरे धीरे से ये मेन स्टीम जो बाईपास वाल्व है उसको धीरे से क्रैक ओपन करेंगे और देखेंगे कि जो स्टीम की लाइन में कोई वेंडिंग और ड्रेनिंग हो रहा है या नहीं, और साथ ही ये ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी तरह से कोई स्टीम लाइन में पानी के कारण हैमरिंग या फिर वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बाईपास को मैं जो बाईपास मेन स्टीम स्टॉप वाल्व है उसको धीरे धीरे पूरा 100% तक ओपन कर लेंगे। अब 10 से 15 मिनट वेट करेंगे और मेन स्टीम स्टॉप वाल्व को थोड़ा सा क्रैक ओपन करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके उसको पूरा ओपन कर लेंगे और किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटी को चेक कर लेंगे। इसके बाद मेन स्टीम स्टॉप पूरा 100% ओपन होने के बाद जो बाईपास जो स्टीम स्टॉप वॉल्व है उसको क्लोज कर देंगे। अब ये लाइन चार्ज होने के बाद सारे ड्रेन और वेंट को क्लोज कर देंगे, केवल ट्रैप वाल्व वो लाइन पे रहेगा, और यदि यह ट्रैप वाल्व अगर काम नहीं कर रहा है या कोई भी दिक्कत आ गई है तो ड्रेन वाल्व को क्रैक ओपन रखा जाता है। तो इस तरह से स्टीम लाइन को चार्ज किया जाता है और स्टीम को कॉमन हीटर से टरबाइन में लिया जाता है।